हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक एंड फिट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकेट कीपिंग के बेसिक और टेक्निक्स बारे में। तो मैं आज इस वीडियो में आपको तीन ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आपकी विकेट कीपिंग इम्प्रूव होगी और आप अच्छी तरीके से विकेट कीपिंग कर पाओगे। विकेट कीपिंग में तीन बेसिक्स होते हैं, आपका हैंड का पोस्चर, स्टांस और आपका स्टेपिंग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको तीनों बेसिक और टेक्निक्स बताने वाला हूँ। हैंड का पोस्चर कैसे चाहिए, विकेट कीपिंग में स्टांस कैसा लेना है और स्टेपिंग कैसे करना है, बॉल को रिसीव कर कैसे करना है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विकेट कीपिंग में फर्स्ट टेक्निक है हैंड पोस्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं हैंड पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपको हैंड कैसे रखना है, ग्रिप कैसे रखना है बॉल कलेक्ट करते वक्त। तो आपको कप शेप में आपका हैंड का पोस्चर होना चाहिए, जब बॉल आप कलेक्ट करोगे तो कप शेप पे होना चाहिए, या फिर आप हल्का सा ओपन कर सकते हो, जितना अच्छा सरफेस रहेगा उतना आप अच्छा बॉल कलेक्ट कर पाओगे। तो आप हल्का सा ओपन रख सकते हो या फिर कप शेप में भी रख सकते हो, जो आप कंफर्टेबल है, जो आप नेचुरल है, जो आपका, आप उस तरीके से हैंड पोस्चर रख सकते हो। सेकेंड टेक्निक है स्टांस। स्टांस में आपको क्या करना है, आपका जो लेफ्ट फुट है वो ऑफ स्टंप के लाइन में होना चाहिए, जो आपका लेफ्ट फुट है वो ऑफ स्टंप के लाइन में होना चाहिए। और आपको क्या करना है, स्टंप से 2 फीट डिस्टेंस लेना है। आपको क्या करना है, स्टंप से 2 फीट डिस्टेंस लेना है, 2 फीट डिस्टेंस लेके आपको मार्क करना है। यहाँ पे 2 फीट का डिस्टेंस लेना है या फिर आप 2 स्टेप्स ले सकते हो। 2 स्टेप्स लेने के बाद आपको मार्क करना है और उस मार्क के पीछे आपको विकेट कीपिंग का स्टांस लेना है। 2 फीट का डिस्टेंस क्यों लेना है, तो 2 फीट का डिस्टेंस या 2 स्टेप्स का डिस्टेंस इसलिए लेना है क्योंकि जब आप विकेट कीपिंग का स्टांस लेते हो तो जब आप विकेट कीपिंग कर रहे हो, बॉल रिसीव करते हो, तो आपका हैंड है, जो आपकी हैंड पोजिशन है वो आपके स्टम्प के पीछे रहती है। जब आप बॉल कलेक्ट करते हो तो स्टम्प के पीछे आपके हाथ रहते हैं। अगर बॉल को स्टम्प के आगे कलेक्ट किया तो नो बॉल दिया जाता है, इसलिए आपको 2 स्टेप्स या 2 फीट का डिस्टेंस लेना है और स्टांस लेना है ताकि आपका जो हैंड का पोजीशन है वो स्टंप के पीछे रहे। अगर आप 2 फीट से कम डिस्टेंस लेते हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो हैंड का पोजीशन है वो स्टंप के आगे जा रहा है। अगर आप बॉल कलेक्ट कर रहे हो तो स्टंप के आगे कलेक्ट करोगे तो ऐसे में नो बॉल दिया जाएगा, इसलिए आपको 2 फीट का डिस्टेंस लेना है। 2 फीट का डिस्टेंस परफेक्ट डिस्टेंस है विकेट कीपिंग के स्टांस पोजीशन के लिए। तो जब आप स्टांस लोगे तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो ऑफ स्टंप की लाइन में चाहिए और आपके जो दोनों पैर के बीच में जो डिस्टेंस है वो शोल्डर की जितना चाहिए। और आपको टो के ऊपर आना है जब स्टांस लोगे विकेट कीपिंग के लिए, तो आपको आपके टो के ऊपर बैठना है। आपको पूरा हिल रेस्ट नहीं करना है, अगर हिल रेस्ट करोगे आपका वेट है वो पीछे जाएगा, तो आपको वेट आगे चाहिए, हेड पोजिशन आगे, वेट आगे, और आपको टो पे आपको बैठना है। जो आपका हैंड का पोस्चर है वो आप कप शेप में भी रख सकते हो या फिर हल्का सा ओपन कर सकते हो, आपका बड़ा सरफेस रहेगा तो आपके लिए अच्छा है बॉल कलेक्ट करने के लिए। और बॉल आप कलेक्ट करने वाले हो, बॉल के बाउंस के साथ आपको आपकी बैक ऊपर करनी है, आपको आपका हेड ऊपर नहीं करना है। बॉल जैसा बाउंस होगा, बाउंस के साथ आपको आपकी बैक और आपका हैंड का जो पोस्चर है वो बॉल के लाइन में लेके जाना है। बॉल के बाउंस के साथ आपको उठना है, आपकी जो बैक है बॉल के बाउंस के साथ ऊपर जानी चाहिए और आपका हैंड का पोस्चर है वो बॉल के लाइन में होना चाहिए और फिर बॉल को रिसीव करना है। विकेट कीपिंग में थर्ड टेक्निक है स्टेपिंग। तो स्टेपिंग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, हैंड पोस्चर कैसा होना चाहिए और स्टेपिंग कैसे करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आप विकेट कीपिंग का स्टांस ले लोगे, हैंड पोस्चर आप सही से रखोगे, जब आप स्टेपिंग करने वाले हो तो आपको याद रखना है कि आपको ऊपर उठना नहीं है, स्टेपिंग करते वक्त आपको उसी पोजिशन में आपको स्टेपिंग करना है। अगर बॉल ऑफसाइड के बाहर है तो उसी पोजीशन में आना है, बॉल आपकी बॉडी ऊपर नहीं आनी चाहिए, उसी पोजीशन में आपको स्टेपिंग करना है। स्टेपिंग करते वक्त याद रखना है कि साइडवेज स्टेपिंग करना है और बॉल के बाउंस के साथ आपको ऊपर आना है, बॉल के बाउंस के साथ आपको ऊपर आना है और जो आपका हैंड का पोस्चर है बॉल के लाइन में होना चाहिए और फिर आपको बॉल को रिसीव करना है। बॉल को रिसीव करते वक्त याद रखना है कि बॉल को आपके हेड के और आइज़ के नीचे रिसीव करना है। आपका हैंड पोस्चर, स्टांस और स्टेपिंग जितना अच्छा रहेगा उतना आप अच्छे से बॉल रिसीव कर पाओगे, कलेक्ट कर पाओगे और उतनी अच्छे से आप विकेट कीपिंग कर पाओगे। आई होप इस वीडियो से आपकी जो विकेट कीपिंग के बेसिक्स टेक्निक्स है वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो विकेट कीपिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, आप कमेंट करके मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो,
अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना। धन्यवाद।